बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की सियासी सरगर्मी तेज हो चुकी है और अंतिम चरण में चुनाव पहुंच चुका है। इस वक्त हम मौजूद हैं सुल्तानगंज के कटहरा पंचायत में। यहां पर हमारे साथ हैं बबलू जी, प्रत्याशी हैं, लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं और लोगों को समझा रहे हैं कि कैसे मतदान करने। इनसे हम बात करेंगे किस मुद्दे को लेकर मैदान में है और क्या विकास का मुद्दा इन्होंने बनाया हुआ है। सबसे पहले तो बिग न्यूज़ पर आपका स्वागत है जी। किस मुद्दे को लेकर मैदान में है इस बार? पंचायत के विकास के को लेकर के। पंचायत में विकास नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ है, मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं हुआ है। क्या क्या काम आपको करना है, लोगों से बात कहेंगे जो? देखिए, पंचायत के विकास के लिए सबसे पहले तो शिक्षा, उसके बाद स्वास्थ्य, जो कि हमारे यहाँ नगण्य हो गया है, ठीक है, मेरे हिसाब से इसमें सुधार जरूरी है। उसके बाद आप देख रहे हैं वर्तमान में यह गली, इस गली का हालत आप देखिए क्या है स्थिति, जबकि वर्तमान मुखिया 10 साल रह चुके हैं और हम दोनों बार चुनाव लड़े 11 और 16, और इस बार फिर हम 21 में हैं। अगले बार हम सेकंड पोजीशन पे रहे थे, 44 वोट से हारे थे चुनाव, फिर प्रयासरत हैं। हमारा सोच है कि हम पंचायत को अपने हिसाब से एक अलग राह पर लेके चलें, जो समुचित विकास हम कर सकें, जो हमारा तमन्ना है उस प्रकार का विकास नहीं हो रहा है। हमारे जो निवर्तमान मुखिया हैं वो 10 साल में हम देखे नहीं हैं कि हमारे गांव में आया, जब हमारा मुखिया हल्का हमारे गांव तक नहीं आएगा तो हमारा विकास कहां से संभव होगा। जनसंपर्क लगातार कर रहे हैं, कितना समर्थन मिल रहा है लोगों का? हमें तो ऐसा प्रतीत हो रहा है, चूंकि हम लगातार तीसरी बार मुखिया का चुनाव लड़ रहे हैं तो अच्छा लग रहा है, 70% हमारे साथ हमको दिखाई दे रहा है इस बार। और सभी पंचायत में नए मुखिया का चयन हो रहा है, इस पर लग रहा है आपको भी उम्मीद है कि इस बार आपको भी चुना जाएगा? निश्चित रूप से लग रहा है कि हमको चुना जाएगा, क्योंकि हम 10 साल पंचायत के बीच में हैं, पब्लिक के बीच में हैं, हर एक गरीब का मदद किए हैं, जहां जिसको जिस चीज़ का आवश्यकता होता है, जो भी व्यक्ति हमारे पास आए हैं उनका हम स्वागत किए हैं। कोई भी आदमी हमारे पास से जो इच्छा लेकर के आया है वह खाली हाथ नहीं लौटने दिए हैं, कौन सा हर संभव प्रयास हम उनका मदद किए हैं, चाहे वह बीमारी हो, बीमार व्यक्ति हो, कोई गरीब के यहाँ कोई डेथ कर गया हो, उसके दाह संस्कार में खड़े हुए हैं, आर्थिक और शारीरिक दोनों चीज़ से, किसी गरीब के बेटी का ब्याह हो उसमें खड़े हुए हैं, आर्थिक शारीरिक मानसिक हर एक रूप से। इस बार लोगों से क्या अपील होगी, क्या कहना चाहेंगे और अपना चुनाव चिन्ह में? जैसे लोगों से अपील करना, लोगों से अपील है कि भाई एक बार अपना कीमती वोट दे करके हमें मुखिया के रूप में चुने, उसके बाद हम बताएंगे कि हम विकास किस हिसाब से करते हैं। हमारा चुनाव चिन्ह ब्रश छाप है जो 7वें नंबर पर है। हमारे साथ थे बबलू जी, इनको सुना आपने और इनका साफ कहना है कि विकास करेंगे, हमेशा हम शारीरिक मानसिक रूप से आर्थिक रूप से भी लोगों का मदद किए हैं, लेकिन इस बार देखना यह शेष है कि जनता इसको इनको इस बार मौका देती है या नहीं। अश्विनी कुमार, बिग न्यूज़, सुल्तानगंज।